हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बर्क हेजेस की लिखी बुक द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन में। इस बुक में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप रेसिडुअल इनकम बना सकते हैं। रेसिडुअल इनकम मतलब कुछ साल काम करने के बाद आप काम ना भी करें तो आपको इनकम आते ही रहेगी। मैं इस बुक की शुरुआत एक स्टोरी से करना चाहूँगा। यह कहानी है पैब्लो और ब्रोनो की। पैब्लो और ब्रोनो दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। वे बेहतर जिंदगी जीने का सपना देखते थे। वे चाहते थे कि इस गांव में वे सबसे सफल व्यक्ति बने, जिसके लिए वे कठिन मेहनत करने को भी तैयार थे। वे अपने सपने को पूरा करने के लिए एक अवसर की तलाश कर रहे थे। एक दिन वह अवसर उन्हें मिल गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को गांव के पास के नदी से पानी लाने का काम दिया। दोनों राजी हो गए और उत्साह के साथ काम में लग गए। वे हर दिन बाल्टियों में पानी भरकर लाते और पैसे कमाते थे। कुछ दिन काम करने के बाद ब्रूनो खुश होकर बोला, हमारा सपना सच हो गया। पर पैब्लो इस बात पर ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि पानी से भरी हुई बाल्टी उठाने से उसका कमर में दर्द था और हाथ में छाले। उसने सोचा कि वह नदी से गांव तक पानी पहुंचाने का दूसरा तरीका खोज निकालेगा। उसके अगले दिन जब वे लोग अपनी बाल्टी लेकर पानी लाने चले तो पैब्लो ने कहा, ब्रूनो मेरे पास एक आइडिया है। रोज कुछ पैसे के लिए पानी से भरी बाल्टी उठाने के बजाय क्यों ना हम गांव से लेकर नदी तक एक पाइपलाइन तैयार कर दें। ब्रूनो हंसते हुए कहा, हमें एक बड़ा काम मिला है। मैं प्रतिदिन $1 कमा लेता हूँ। अगर मैं इसी तरह काम करता रहा तो इस सप्ते के अंत में एक जोड़े नए जूते, महीने के अंत तक गाय, 6 महीने के बाद एक नया घर खरीद सकता हूँ। हमारे पास शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। अब ये पाइपलाइन वाली बात को यही खत्म करो। अब पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन निर्माण करने का फैसला किया। पैब्लो जानता था कि पाइपलाइन बनाने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका ध्यान लक्ष्य पर था। पैब्लो आधे दिन बाल्टियों से पानी भरकर लाता और आधे दिन पाइपलाइन तैयार करता। पहले महीने में पैब्लो ज़्यादा काम नहीं कर सका। उधर ब्रूनो पैब्लो के मुकाबले 2 गुना कमाई कर रहा था और अपने सपने पूरा कर रहा था। यह देखकर ब्रूनो और गांव वाले हंसते और मजाक उड़ाते थे। जब ब्रूनो अपने दिन मौज मस्ती में गुजार रहा था, तब पैब्लो पाइपलाइन तैयार कर रहा था। कुछ समय बाद ब्रूनो बाल्टी उठाते उठाते कमजोर हो गया था और उसका कंधा भी पहले से ज्यादा झुक गया था। इधर पैब्लो हर महीने काम करता रहा। कुछ साल के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब पैब्लो ने पाइपलाइन पूरा कर लिया। अब पैब्लो काम ना भी करे तो भी गांव में पानी आता था और उसका इनकम बढ़ता रहता था। अब पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो का व्यवसाय खत्म हो गया था। पैब्लो ब्रूनो का हाल देखकर काफी दुखी हुआ और एक दिन उससे मिलने गया और बोला, मैं तुम्हारे पास एक व्यवसाय का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मुझे अपने इस पाइपलाइन को पूरा करने में 2 साल लगा है, पर इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं यह जान गया हूँ कि इसमें कौन सा औजार का उपयोग करना है और पाइपलाइन कैसे डालना है। मैंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे हम कई बार पाइपलाइन आराम से पूरा कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर पास के गांव तक पाइपलाइन बनाएं, उसके बाद पूरे विश्व में। हमें तेजी से काम करने के लिए इस काम को कई लोगों को सिखाना पड़ेगा। जरा सोचो, हम ये प्रयास कर सकते हैं कि प्रत्येक गैलन पानी इन पाइपलाइनों से होकर गुजरेगा, उतना ही ज़्यादा मात्रा में पैसा हमारे पास आएगा। तब ब्रूनो ने सोचा और अपने दोस्त को सहयोग देने का वादा किया। दोनों ने हाथ मिलाया और बिछड़े हुए दोस्त की तरह गले मिले और अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़े। वे दोनों समय के साथ अपने सपने पूरा कर रहे थे और वह दिन आ गया जब वे रिटायर हो गए। लेकिन फिर भी विश्व भर में फैली उनकी पाइपलाइन की मदद से उनके बैंक में अभी भी $करोड़ों जमा हो रहे हैं। कभी भी जब वे गांव से गुजरते हैं और किसी को पानी से भरी हुई बाल्टी उठाते हुए देखते हैं, तो यह दोनों दोस्त उन्हें अपनी कहानी सुनाते हैं और उन्हें पाइपलाइन लगाने में अपने सहयोग का वादा करते हैं। कुछ लोग उनकी बात सुनते हैं तथा अवसर मिलते ही पाइपलाइन व्यवसाय का शुरुआत कर देते हैं। वहीं तो कुछ लोग पाइपलाइन वाले आइडिया को अस्वीकार कर देते हैं और पाइपलाइन काम नहीं करने के बहाने देते हैं, जैसे मेरे पास समय नहीं है। मेरा एक दोस्त ने कहा है कि उसके एक दोस्त ने पाइपलाइन की व्यवसाय की शुरुआत की, वह असफल रहा।
इन बातों से पेब्लो और ब्रूनो को काफी तकलीफ हुआ। कई लोगों के पास दूरदृष्टि का अभाव है, पर दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि वे लोग बकेट कैरिंग वर्ल्ड में रह रहे हैं तथा कुछ प्रतिशत लोग ही पाइपलाइन का सपना देख पाते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर बार आपके पास ऐसे ही वीडियो आते रहे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।